छतरपुर पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बुजुर्ग से 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। छतरपुर कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर ने बताया कि पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया कि दो महिला और एक पुरुष उसे फोन कर अपने पास बुलाते हैं और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर बार बार पैसे मांग रहे हैं। आरोपियों ने फरियादी से पहले ही 32,000 रुपए ले लिए थे, उसके बाद दोबारा 20 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ब्लैकमेलिंग कर जबरन वसूली करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। अजयगढ़ की व्यक्ति है, रिपोर्ट दी थी कि दो महिलाएं और एक पुरुष राजेंद्र रोड के रहते हैं मकान पे, और उसको फोन से बुलाए और बुलाने के बाद उससे आपत्तिजनक वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद ज़्यादा धमका उससे 25,000 रुपये ले लिए और बाद में वीडियो वायरल करने की बात बता कर भी ब्लैकमेल करने लगे। 20 लाख की मांग तीनों को गिरफ्तार किया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।